हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल एंड इजी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं MGPRU रोहिलखंड विश्वविद्यालय की। जी हाँ, हम आज बात करेंगे रोहिलखंड विश्वविद्यालय में उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के फॉर्म फिल किए हुए हैं और उन्हें अपने एग्ज़ाम्स का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। लेकिन साथ ही साथ ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी होने वाली है जिन्होंने अभी तक रोहिलखंड विश्वविद्यालय में एंट्रेंस के फॉर्म को फिल नहीं किया गया है। उनके लिए एक आखिरी मौका दिया जा रहा है। जी हाँ, वो अभी भी अपने एग्ज़ाम फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म को। और इसकी डेट कब से कब तक है, आप कब से कब तक अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ये इस वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी एक बहुत ही बड़ा खबर निकल कर सामने आई है। एक नोटिस आया है जिस नोटिस में ये दिया गया है कि कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 26/8/2020 यानी कि 26 अगस्त के द्वारा MSc MPhil व्यवहारिक अर्थशास्त्र तथा प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति LLM BLED तथा MED की प्रवेश परीक्षाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया COVID-19 के दृष्टिगत एवं अभ्यर्थियों के अनुरोध पर अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पुनः प्रारंभ कर दी गई है। जी हाँ, अगर किसी को अपना ऑनलाइन फॉर्म अभी भरना है एंट्रेंस का, उसका रह गया है, तो उसके लिए चांस दिया जा रहा है, वो अपना एंट्रेंस का फॉर्म फिल कर सकता है। उक्त पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mgpru.ac.in के माध्यम से दिनांक 27 अगस्त से 30 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, आप 27 अगस्त से 30 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट कल से खुल जाएगी और आप वहाँ जाकर आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।